हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स आपको लेकर। व्यूअर्स, आपको बस ये याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है, बजाय हर एक बात में अपने आप को फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है आप बेझिझक होकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं और जानते हैं मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं इस पर्सन के आपको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज क्या हैं, मॉर्निंग थॉट्स व्यूअर्स को लेकर। फोकस बस और बस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें व्यूअर्स, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कांट शेयर यू। ओके, Your beautiful face is always on my mind. I am obsessed with your picture. You are out of my league. I am disappointed with you. I am falling in love with you. Okay. Guide कीजिए universe, please divine, please archangels, please holy angels, please spirit guide, मुझे guide कीजिए, बताइए मेरे viewers के person के morning thoughts, बताइए viewers को लेकर। Sweetheart, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। डेथ, साइंस, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स बताइए। प्रेजेंट, बॉटम में सरप्राइज। ओके ओके, देखिए व्यूअर्स, ये पर्सन ना कहीं आपको लेकर ना पॉजिटिव ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, या तो इस पर्सन ने आपको किसी के साथ देखा है, या फिर इस पर्सन के मन में इस तरह का भ्रम डाला जा रहा है कि आप अब किसी और के साथ हो, या आप इन्हें छोड़कर अब अपनी एक नई शुरुआत कर रहे हो। तो ये सभी चीज़ें ना आपको लेकर इस पर्सन के दिल में एक अलग ही लेवल पर पॉजिटिवनेस को क्रिएट कर रही हैं। वो पॉजिटिवनेस जेलेसी में कन्वर्ट हो रही है, वो पॉजिटिवनेस इस पर्सन को डिसअपॉइंट कर रही है, वो पॉजिटिवनेस इस पर्सन को ये चीज़ों का एहसास दिला रही है कि आप इनके लीक से, मतलब इनके कंट्रोल से, इस कनेक्शन से, इनके प्यार से सबसे बाहर निकलते जा रहे हो। और यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को होना हो आपको लेकर एक जेलेसी भी क्रिएट करा रही हैं। जैसे कि एक होता है ना कि आप इनके हो तो आप किसी और के कैसे बन सकते हो, किसी और के साथ आप कैसे रह सकते हो, किसी और से आप कैसे बात कर सकते हो। तो मॉर्निंग में भी कहीं ना कहीं इस पर्सन की यही इन एनर्जीज मुझे दिख रही है, जैसे इन्हें आप से बहुत सारी शिकवा है, बहुत सारी शिकायतें हैं, और ये पर्सन अपने एक अलग ही घमंड की वजह से, अपने एक अलग ही लेवल पर रहने की वजह से ना आपसे वो चीज़ें कह तो पा नहीं रहे, लेकिन उसके चलते अंदर ही कुड़ते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर एक जेलसी इनका जो लेवल है वो बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वो जेलसी पॉइंट इस पर्सन को ये चीज़ों का एहसास दिला रहा है कि आपसे अभी भी प्यार करते हैं, जो इनके लिए एक सरप्राइज़ है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसे मानते हो कि भाई मुझे किसी से शायद प्यार नहीं हो सकता, औरों को मुझसे हो जाए, क्योंकि मुझके मेरे अंदर वो एबिलिटी है, वो हुनर है, मैं इतना शांत हूँ, या मैं इतनी शांत हूँ, इतना स्वीट हार्ट हूँ, तो कुछ ऐसा इनका फंडा रहा है, ठीक है। तो इनके साथ ना सुबह सुबह कुछ ऐसी चीज़ें चलती रही जैसे अपनी फीलिंग्स इन्हें सरप्राइज कर रही हैं कि इन्हें आपसे प्यार हो गया है, और ये आपसे इस लेवल पे प्यार कर चुके हैं, कर रहे हैं, कि आपको ये किसी और के साथ देख ही नहीं पा रहे हैं, आपको जाते हुए नहीं देख पा रहे हैं, वो चीज़ें इन्हें डिसअपॉइंट कर रही हैं, वो चीज़ें इन्हें स्टक कर रही हैं। तो ये सभी चीज़ें इस पर्सन के लिए, खुद के लिए एक सरप्राइज बनकर रह गई हैं, ऐसा यहाँ पर देख पा रही हूँ।
और उसके जस्ट अलग आप इन्हें अलग तरह से दिख रहे हो, तो ये चीजें तो और इन्हें परेशान कर रही हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, इनके पास आपका कोई फोटो वगैरह है, चाहे वो पासपोर्ट साइज हो, चाहे मोबाइल में हो, फेसबुक से ले लिया हो, आपने कोई डीपी लगाया हो, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया हो, बट इनके पास आपका कोई फोटो है जिसे बहुत ज्यादा देख रहे हैं, उसको लेकर और ज्यादा इनका जो ऑब्सेशन है आपको लेकर वो बढ़ रहा है। लेकिन साथ साथ में उस ऑब्सेशन के ये चीजें भी हैं कि रिश्ता खत्म हो गया, ये रिश्ता इनके कंट्रोल से बाहर चला गया, आप इनके कंट्रोल से बाहर चले गए, आपकी बस मेमोरीज ही इनके पास हैं, यानी कि वो जस्ट फोटो ही तो इनके पास है, और ये स्टक हैं जबकि आप यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ चुके हो। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स इस पर्सन को सुबह सुबह इतना ज्यादा आपने स्टक करती रही, उतना ज्यादा इन्हें सरप्राइज करती रही कि ये आप में स्टक हैं, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए। भाई ये इनके अंदर तो वो एबिलिटीज है, वो हुनर है कि ये आसानी से मूव ऑन कर सकते हैं, फिर इन्हें ऐसी क्यों बेचैनी हो रही है, ये क्यों इतना अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, इनका क्यों जेलसी पॉइंट यहाँ पे बढ़ रहा है। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो बढ़ो, इन्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सभी चीजें इनके मन में एक सवाल के तौर पर सुबह सुबह बहुत ज्यादा चली हैं। अपने आप से ही इस पर्सन के यहाँ पर सवाल हुए हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। चलिए अब देखते हैं टैरो से और क्या फीलिंग्स और क्या इमोशंस इनके हैं आपको लेकर, जो सुबह सुबह इन्हें और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स के बारे में, बताइए आखिर और क्या कुछ इनके दिल में इनके मन में चलता रहा व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए, प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। डेथ फिर से आया है एंड बॉटम है आपका डेविल। देखिए जो मैंने बोला कि अपने आप को ये बॉस मान रहे हैं, भाई परफेक्ट मान रहे हैं, ये तो आसानी से मूव ऑन कर सकते हैं, इनके अंदर तो वो एबिलिटी है, तो वो सभी चीजें कहीं ना कहीं आप की तरफ से इन्हें ऐसी फील हो रही है कि आपके मूव ऑन करने से, आपके आगे बढ़ने से, आपके किसी और के साथ बढ़ने से कहीं ना कहीं आप इन्हें ये शो कर रहे हो, या आपका इनकी तरफ एक ऐसा रेस्पॉन्स आया है, एक ऐसा रिएक्शन आया है जो आप इन्हें ये समझा बैठे हो उसके थ्रू कि भाई इनके अंदर भले सब कुछ हो लेकिन जहाँ पे आपको प्यार नहीं मिल रहा, जहाँ पे आपको भरोसा नहीं मिल रहा, तो फिर आपके लिए वो सभी चीज़ें बेकार हैं, सब चीज़ें मरे के बराबर हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा जेलसी पॉइंट इनका बढ़ रहा है, मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनके हाथ से निकलते जा रहे हो, आप इस रिश्ते को ख़त्म करने से अब डर नहीं रहे हो, आप इस रिश्ते के ट्रांसफॉर्मेशन से डर नहीं रहे हो, आप जितना इनको लेकर भावुक थे, इमोशंस थे, वो कुछ भावनाएं, वो इमोशंस दिख नहीं रही हैं। तो ऐसी चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पर गुस्सा दिलाती रही हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ये स्कॉर्पियो ये कैप्रिकॉर्न है, हो सकता है आप लोग इसी तरह से कपल हों व्यूअर्स, ठीक है, गाइड कीजिए बताइए व्यूअर्स के पर्सन के और मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं व्यूअर्स को लेकर, प्लीज गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स मुझे, स्प्रिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। ओ माय गॉड, सारे कार्ड्स ऐसे हैं जैसे कि भाई तूफान चल रहा है यहाँ पे, तो गुस्से में फटे जा रहे हैं ऐसे यहाँ पे है। ये एरीज और ये कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि है। देखो यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि जितना ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर सुबह सुबह एग्रेसिव रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें अपना वो बीता कल याद आया है, जिस पल में ये रिश्ता धड़धड़ आकर गिरा, जिस पल में इस रिश्ते का डेथ हुआ, जिस पल में इस पर्सन ने आपको ना बोली, आपको इग्नोर करा, आपसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू करा, तो उतना ज़्यादा इस पर्सन को अपना वो करा हुआ याद आ रहा है जो इन्होंने आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं स्प्रेड करा, वो तूफान, वो टावर, वो डिज़ास्टर। तो यहाँ पर
इनका अब यहाँ पर गुस्सा होने का कोई सेंस बनता नहीं है, वो चीज़ें भी इनके मन में काफ़ी ज़्यादा चली। एज एन कि देखो, डिसीज़न अगर इनका था यहाँ पे रिश्ते को ख़त्म करने का, या डिसीज़न यहाँ पर इनका था इस वे में कि ये आपको कंट्रोल करके चलेंगे, अगर आपको इनके कंट्रोल में रहना है तो इट्स टोटली फाइन, अगर नहीं तो फिर ये आपसे मूव ऑन भी कर लेंगे। तो डिसीज़न अगर इनका है तो अब इनका कोई राइट, कोई हक आप पे नहीं बन रहा कि आप किसके साथ हो और किसके साथ नहीं हो, आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो। तो ये सभी चीज़ें भी इन्हें कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर तोड़ती रही हैं, अंदर ही अंदर इन्हें जितना आपको लेकर भावुक कर रही हैं, जितना आपको लेकर इमोशनली लेवल पर कमज़ोर पड़ रहे हैं, उतना ही अंदर अपने आप को ख़त्म हुआ हुआ पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ है, मतलब अंदर इनके बहुत कुछ टूट रहा है, इन्हें ऐसा फील हो रहा है। बेसिकली मैं सीधे शब्दों में आपसे बोलूँ तो आपके जस्ट मूव ऑन करने के थॉट से, या इस तरह की खबर मिलने से, या इस तरह की फीलिंग्स इनके अंदर चलने से, तो ऐसा कुछ यहाँ पे है। तो बहुत कुछ अंदर ही अंदर इनके टूटता हुआ इन्हें नजर आ रहा है, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट इनकी लाइफ होती जा रही है ना, ऐसे फील हो रहा है। या आप अगर मूव ऑन कर रहे हो तो इनकी लाइफ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ यहाँ पे है। और साथ में ये चीज़ें आप इनके अगर जा रहे हो तो आप इनके अब कंट्रोल से भी पूरी तरह से बाहर निकल रहे हो, तो ऐसा कुछ यहाँ पे है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स और क्या रहे हैं, व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, एंड एरीज लियो एंड सजिटेरियस, मेष सिंह एंड धनु राशि। इनके दिल में इवन व्यूअर्स देखो आपको लेकर ये चीजें भी रही कि किसी किसी पॉइंट पर अब आप ना इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, और इवन इस पर्सन को इनके नज़रिए से देख रहे हो। जैसा नज़रिया कभी एक वक्त पे इन्होंने आपको लेकर रखा ना, आप भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अब इस इंसान को, इस रिश्ते को देख रहे हो। और यही आपका परसेप्शन इस पर्सन को लेकर ये समझा रहा है कि भाई इसे बदलने से बेटर है कि मैं अपने आप को बदलूं, अपनी लीड में अपने आप से लूं, या अपने बारे में मैं सोचूं, या मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट करूं, अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियों को खुद से बटोरूं, बजाय इस पर्सन के अंदर वो चीज़ें देखने में या उससे उम्मीद करने में। तो इन्हें ऐसा फील भी हो रहा है व्यूअर्स कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर अब इनकी तरह से सोच रहे हो, इनकी तरह से देख रहे हो, इन्हें भी रिश्ते को भी और ओवरऑल अपनी लाइफ को भी जो कभी एक वक्त पे इन्होंने देखी थी। तो अब यहाँ पर आप इनके कंट्रोल से, इनकी लीक से इसीलिए बाहर हुए हो क्योंकि यहाँ पर आपने अपनी लीड खुद से अपने हाथ में पकड़ रखी है बहुत टाइटली। अब यहाँ पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो, यहाँ पर आप अपनी जो भी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो तो उससे तो आप बिल्कुल भी अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। तो ऐसी चीज़ें भी इस पर्सन को, व्यूअर्स, इस पल में बहुत ज़्यादा ना स्टक कर रही हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे ये खुद बंद कर रह गए हैं, खुद ही अपना सर पकड़ कर बैठ गए हैं, वो चीज़ें इन्हें डिसअपॉइंट कर रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के और मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स। यहाँ पे आपका फाइव ऑफ कप्स एंड द सन, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड लियो है। देखो यहाँ पर ये चीज़ें तो हैं कि अब आपके पार्टनर ये चीज़ें तो समझ गए हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ थी, कलर्स थे, या एक हैप्पी जो चीज़ें थी ना जिसमें ये खुश रहते थे, वो सब इन्हें आपसे मिल रही थी, ठीक है। और जब से इन्होंने आपको पीठ दिखाई है, जब से इन्होंने आपको यहाँ पर देखना बंद करा है, इग्नोर करा है, तब से इनके ज़िंदगी में जो रया सया भी था ना, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। वो खुशियाँ, वो प्यार, वो कलर्स, सब कुछ ख़त्म हो गए और हाथ में इनके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आया वो स्टकनेस, वो थॉट, वो ओवर थिंक, वो सवाल, वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा, वो जेलेसी। तो ऐसी चीज़ें इन्हें ना सुबह सुबह इस कदर यहाँ पे स्टक करती रही हैं कि अब ये क्या करें, वही मूव ऑन के प्रोसेस पर चले जिस पर कभी एक वक्त इन्होंने घमंड दिखाकर ये डिसाइड कर लिया था कि ये आपके बिना चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आप ही शायद इनके पीछे भाग कर आओगे, या फिर आपकी तरफ वापसी करें उस रिग्रेट के साथ जिस
रिग्रेट की वजह से ये पर्सन पूरी तरह से फटे जा रहे हैं, पूरी तरह से डिस्टर्ब हुए जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें भी व्यूअर्स इस पर्सन को इस पल में बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना डिसअपॉइंट कर रही हैं, कंफ्यूज कर रही हैं बेसिकली। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन के और मॉर्निंग थाट्स क्या हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के मॉर्निंग थाट्स और क्या हैं। गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। टू ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, जो मैंने आपको बताया। देखो अभी तक इनके ये थॉट्स हैं कि भाई ये एम्परर हैं, इनके सीने में दिल नहीं है, ये वो पर्सन है जिसे हर कोई पूछ सकता है। इनके अंदर वो एबिलिटी है, एक लीडरशिप वाली एबिलिटी है कि लोग जो भी इन्हें वो रेस्पेक्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, वो डिजर्व करते हैं क्योंकि इनके अंदर वो हुनर है, वो एबिलिटी है। लेकिन सुबह सुबह इन्हें जितना ज़्यादा आपको लेकर एक अटैचमेंट, एक फीलिंग्स फील हुई है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड तो हुए हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं। इनके सीने में आपके लिए दिल धड़क रहा है, इनके सीने में जो दिल है ना, वो आपकी तरफ एक ऑफर लेकर आने के लिए इन्हें बार बार बोल रहा है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जो सोच रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये आपके साथ इस रिश्ते की जो भी जर्नी है उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसे बैलेंस में रखना चाहते हैं, या इन्हें आपसे प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, ये चीज़ें इन्हें डेफिनेटली यहाँ पर सरप्राइज करती रही हैं। तो अभी तक इस पर्सन का यहाँ पे जो भी जेस्टर, जो भी रिस्पॉन्स आपको लेकर रहा है ना, उसके पीछे की वजह यही है कि इनका खुद का घमंड इन्हें ये चीज़ों को लेकर गाइड कर रहा था कि तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, तो तुम काहे का वेट कर रहे हो या काहे का तुम अफसोस कर रहे हो। लेकिन ये सभी चीज़ें जैसे कि समझा रही हो कि भाई ये तो आपके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। देखते हैं कहना क्या चाह रहे हैं और ये पर्सन आपसे, इनके मैसेजेस देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। यू आर माई स्ट्रेंथ, आपसे कहना चाह रहे हैं, ये जान गए हैं, मान रहे हैं इस बात को कि मजबूती जो भी थी ना वो आपसे थी, मतलब जो ये अपने आप को स्ट्रांग मान रहे थे। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, ये आपको दूर जाते हुए नहीं देखना चाहते या दूर जाना नहीं चाहते आपसे। आई क्राई इन साइड ऑफ मी, कहना चाह रहे हैं अभी अंदर ही अंदर रो रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, और अब उस स्टेज पर अपने आप को पा रहे हैं जहाँ पर अपनी ही फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करने से एक अलग ही हेजिटेशन इस पर्सन को हो रही है। आई एम रियली डाइंग फॉर यू कम बैक, आपसे कहना चाह रहे हैं कि मरे जा रहे हैं, ये फिर से वही चीज़ है और ये आपकी तरफ वापसी करना चाहते हैं। I really want to come back to you, ये फिर से आया है भाई, ये वापस आना चाह रहे हैं आपके पास। मतलब जो भी हुआ इनसे हुआ उसके लिए आप इन्हें माफ़ कर दो, ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, तो कुछ इस तरह से मैसेज आपको देना चाह रहे हैं। तो देख लेते हैं भाई इनकी तरफ से वापसी की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से एक्शंस आने के क्या क्या चांसेस हैं, कम बैक करने के पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, गाइड कीजिए बताइए डिवाइन। नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ वैंड्स, देखो पॉसिबिलिटीज़ तो यहाँ पे बन रही है काफ़ी ज़्यादा। पहली रीज़न तो पॉसिबिलिटीज़ बनने का ये भी है कि भाई ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस में हो यहाँ पे आप दोनों, एक यूनिटी का कार्ड बता रहा है, ये पॉजिटिव कार्ड है, ये बेसिकली हारमोनी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ये सभी चीज़ें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में तो ये आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ें हैं इस पर्सन के साथ, ये इश्यूज आपने हमेशा देखे भी होंगे कि ये अपने आप को डिफेंड ज़्यादा करके चलते हैं, मतलब अपने आप को बहुत डिफेंसिव खेल खेलते हैं ये। ठीक है, तो मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि आएंगे तो लेकिन एकदम डिफेंसिव मोड में इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ है। और चांसेस मुझे देखो व्यूअर्स यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो 2 वीक्स की दिख रही है, 2 हफ्तों की, कुछ लोगों के केस में यहाँ पे
मुझे 7 डेज और कुछ लोगों के केस में मुझे 9 डेज लग रहे हैं इस पर्सन की तरफ से एक्शंस आने के चांसेस, ठीक है। लेकिन एक डिफेंसिव मोड में है, या तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे पूरी तरह से, या किसी के पीछे छुप छुपा कर आएंगे, एज एन किसी का सहारा लेकर आएंगे, किसी को एज अ बहाना लेकर आएंगे, तो उसकी मुझे पॉसिबिलिटीज बनते हुए दिख रही है। ठीक है व्यूअर्स, चलिए मैं आपके लिए कार्ड ऑफ द डे देखकर इस रीडिंग का एंड करूँगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए, प्लीज़ स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए कार्ड ऑफ द डे। देखो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि व्यूअर्स, आप जितना ज़्यादा अपने पास्ट के बारे में सोचोगे ना, पास्ट आपको अपनी तरफ उतना खींचेगा। तो आपके लिए ज़रूरी है अपने पास्ट को रिलीज कर दो, चाहे वो अच्छा था या बुरा था। अगर अच्छा था तो वो आपको अपनी तरफ खींचेगा, बुरा था तो वो आपको इमोशनली वे पे अपनी तरफ खींचेगा, और दोनों ही सूरतों में आप अपनी ज़िंदगी में आती हुई न्यू पॉसिबिलिटीज़ को कहीं ना कहीं रोक लोगे। तो आपसे यहाँ पर एज अ गाइडेंस ये बोला जा रहा है व्यूअर्स कि नए रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं, वो अवेलेबल हैं, लेकिन उसके लिए पास्ट को रिलीज करना होगा और नए रास्तों की तरफ, नई पॉसिबिलिटीज की तरफ जो आपके लिए अवेलेबल हैं, उन्हें आपको फॉलो करना होगा, और वो भी पूरे भरोसे के साथ। तो अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा और कुछ बेहतर चाहिए तो रिलीज तो करना पड़ेगा अपने पास्ट को, चाहे वो किसी भी तरह से आप करो। तो ये आपके लिए आज कार्ड ऑफ द डे आया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाए हैं, और आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय।